नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इम्पल्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू, तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ का कहता है जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो अगर मैं एफ को डी टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एफ डी टी इक्वल्स टू डी पी बन जाएगा, और अगर मैं दोनों तरफ इनको इंटीग्रेट करूँ तो ये जो मेरे पास पूरा फॉर्मूला बनेगा इसको हम इम्पल्स कहते हैं। ये वाली जो इम्पल्स है ये हमको मिलेगी उस फोर्स से जो वेरिएबल फोर्स है, यानी कि ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फोर्स कैसा होता है वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो कि कोई मेरे पास एक ब्लॉक है और उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है 3t², मतलब टाइम के साथ अगर टाइम की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करोगे तो टाइम के साथ फोर्स बदलता रहेगा, तो फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब फोर्स हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। और अगर जब फोर्स किसी सिचुएशन में बोलूँ कि इस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल पी इक्वल्स टू एफ डेल टी, यानी कि जो इम्पल्स है डेल पी का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है डेल पी का मतलब। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर है और फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल के भी बराबर है, तो इसलिए अपने पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए बोथ 1 एंड 2 अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।